हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक सुपर डिलीशियस रेसिपी, जो है बथुए के रायते की रेसिपी। इसके लिए हमने बथुआ लिया है और उसको अच्छे से वॉश कर देंगे, या छानने के बाद हमने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है और इसको काफ़ी देर तक वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा मतलब कंकड़ ये सब भी रहते हैं और काफ़ी सारा वो रहता है, तो अच्छे से वॉश कर देंगे। फिर इसके बाद इसको वॉश कर दिया है तो इसको एक पतीले में डाल दिया था। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको बॉईल करते हैं, उबाल देते हैं। तो इसमें हमने पानी ऐड कर दिया था। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, ठीक ठीक क्वांटिटी में रखना है, जैसे कि जितना बथुआ है उससे थोड़ा कम, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ताकि वो जले भी ना और ऐसे भी ना हो। और फिर इसको ढक दिया था उबाल आने के लिए। तो अब हमने ये बीच बीच में चला के देख रहे हैं कि बथुआ पक रहा है कि नहीं। तो अभी तो पूरी तरीके से वो पक्का नहीं था, तो फिर इसको काफ़ी देर तक पकाया हमने अच्छे से। इसमें उबाल आने लग गया था, काफ़ी उबाल आ चुका था, तो बथुआ पक रहा था। फिर देखिए पानी भी बहुत कम हो चुका है और बथुए की क्वांटिटी भी है ना, वो पहले से थोड़ा कम हो चुकी है। तो अब हमारा बथुआ जो है वो पक चुका था, और अब हमारा जो ये बथुआ है वो ठंडा हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ बथुए को निकाल दिया, पानी से अलग कर दिया है, और अब इसको इस कढ़ाई में रख दिया है। एंड अब इसको क्या करेंगे हम, कि हमने पीसा तो था नहीं, मिक्सी में भी मिक्सी का यूज़ नहीं करा था, क्योंकि मिक्सी का हमारे घर में पसंद नहीं करते। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि मिक्सी के चीज़ों का उतना टेस्ट भी नहीं आता है, अच्छी भी नहीं लगती, जल अलग से जाती, तो घर में कोई पसंद नहीं करता। तो इसके लिए मैंने यूज़ करा था मथनी का, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं था ये, तो सिलबट्टे का क्या ही यूज़ करना था, तो मथनी का यूज़ कर दिया था। तो मथनी से इसको अच्छे से पीस दिया था, ये देखिए ऐसे घोट दिया था मथनी से अच्छे से, और ये बिल्कुल बारीक हो चुका था। तो ये हमारा होममेड दही है जो घर पे जमाया हुआ है, और इसको हमने इसमें डाल दिया है। फिर इसको मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से। एंड ये देखिए गाइस, हमारा बथुआ का रायता तो ये रेडी हो चुका है। इसमें अब हम ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। उसके बाद हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो गाइस, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें छौंका लगाते हैं। तो छौंका लगाने के लिए मैंने यूज़ करा है यहाँ पे जीरे का, और तवे में तेल डाल दिया था सरसों का, गरम कर दिया था। उसके बाद इसमें डाल दिया है ज़ीरा, और जीरा जब रेड रेड हो जाता है तो इसको डाल देते हैं रायते में। इससे क्या होता है कि इसका जो टेस्ट होता है ना, वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। रायता तो वैसे भी नॉर्मल भी बहुत अच्छा बनता है बथुए का, बट क्या होता है कि थोड़े जो मतलब इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या फिर जैसे ये छौंका लगाने से और ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़िया हो जाता है। तो आप लोग भी बनाइए, आप लोग भी ट्राई करिए, देखिए कि आप लोगों को कैसा लगता है बथुए का रायता। और आप देखिए, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट में भी अच्छा होता है। गर्मियों के दिनों में तो बहुत ही अच्छा लगता है, और रायता तो वैसे भी गर्मियों में सबकी पसंद होती है। तो आप लोग बनाइए और फिर हमें बताइए ज़रूर। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।